हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विंटर सीजन में अपने एडेनियम के प्लांट को आप कैसे बचा सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको अपना प्लांट दिखाना चाहूँगी ये मेरे फ्रेंड के घर का प्लांट है तो इसने मुझे एक इन्होंने मुझे एक और एडेनियम भी दिया था तो मैं इनका भी कलेक्शन आपको दिखाना चाहूँगी कि इनका भी कलेक्शन काफ़ी हेल्दी है और जैसा कि आपको पता है कि डोरमेंट पीरियड में अडेनियम है तो कुछ पत्ते पीले हो इसके हो ही रहे हैं यहाँ भी आप देख सकते हैं तो इसको आपको हटाते रहना है तो पहले मैं आपको पूरा प्लांट दिखा देती हूँ कि अभी भी कितना हेल्दी प्लांट है जैसा कि आपको पता है कि पटना में कितनी ज़्यादा ठंड अभी बढ़ चुकी है और फिर भी इनका प्लांट आप देख सकते हैं हेल्दी है और मेरा भी प्लांट एकदम हेल्दी है तो हमने क्या किया किस वजह से हमारा प्लांट है, हेल्दी है वो मैं आपको बताना चाहूँगी अपनी वीडियो में इस तरह से देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे जैसे इस तरह से तो डोरमेंट का ये असर है लेकिन बाकी मैं दिखाऊंगी कि इसमें भी कहीं कहीं फूल अभी भी आ रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो कली लगी है और पत्ते भी पीले हो रहे हैं जैसा कि डोरमेंट का असर है और इसके बाद मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाऊंगी ये मेरा अडेनियम है तो ये फर्स्ट वाला मेरा है और सेकेंड वाला मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे मेरे वाला जो प्लांट है ये भी अभी हेल्दी है क्योंकि डोमेंट पीरियड स्टार्ट होने से पहले ही मैंने नवंबर में इसमें फ़र्टिलाइज़र यूज़ किया था आपको अभी इसमें फ़र्टिलाइज़र नहीं डालना है अगर आपने नवंबर में यूज़ किया है तो अच्छी बात है तो ये मेरा उसी का असर है कि अभी मेरा प्लांट एकदम हेल्दी है और इसमें अभी भी फूल आ रहे हैं और जैसे इसके पत्ते भी पीले होते हैं तो मैं तोड़ के हटाती रहती हूँ आपको अगर आपके पास अडेनियम इस तरह का है तो आपको हटाना है जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि अभी विंटर सीजन का ही मेरा वीडियो है ऐसा नहीं है कि मैं आपको गर्मी के दिन का दिखा रही हूँ यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ ऊपर मेरी सेम की फली लगी हुई है और उसके नीचे मैंने अडेनियम को रखा है आपको पीछा अगर आपने इसको छत पर रखा है जैसा कि फूल वाले प्लांट को हम आउटडोर ही रखते हैं तो ऊपर से ऐसा जगह पर रखना है जहाँ ऊपर से इसके कुछ छाया जैसा हो डायरेक्ट ओस इस पर ना पड़े तो आपको अपने प्लांट को अभी बचा के इस तरीके से रखना है और कुछ पत्ते जो आपको लग रहे हैं पीले हो रहे हैं इस तरह से आपको तोड़ के हटाते रहना है ताकि एक्स्ट्रा जो पोषक तत्व होते हैं उसमें पौधे है ना लगा सकें तो इस तरह से मैं इसके पत्ते तोड़ते रहती हूँ जहाँ पे आपको कलियाँ कुछ दिखेगी इस तरह से काली हो रही हैं वो भी आपको तोड़ के हटा देना है फूल भी आपको लग रहे हैं कि कहीं कहीं सूख रहे हैं क्योंकि फंगस लगने का चांस होता है तो इस वजह से आप उसको हटाते रहें इस तरह से आपको तोड़ के हटा लेने हैं या आप ये काला सा हो रहा है बाकी तो हेल्दी है और ये पत्ते आपको जो ऐसे धूल जैसे तो मैं इसको तो वॉश नहीं कर सकती पानी से क्योंकि दो तीन दिन से हमारे साइड एकदम धूप नहीं आई है तो पौधा ख़राब होने का भी चांसेस है इसलिए आपको इस तरह से साफ़ करते रहना है हाथ से भी कर सकते हैं या किसी कपड़े से कर सकते हैं मैं थोड़ा सा करके आपको दिखाना चाहूँगी तो इस तरह से अभी आपको अपने पौधे का ख्याल रखना है इसमें फर्टिलाइज़र बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आप देख सकते हैं अभी भी इसमें कलियाँ बन रही है फूल आ रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी गलियाँ बनी हुई हैं तो आपको इस तरह से अपने एडेनियम का भी ख्याल रखना है अगर आपका पौधा यहाँ पे मैं आपको पानी का बताना चाहूँगी पानी आपको बिल्कुल जब देना जब मिट्टी जो है एकदम सूख जाए यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको आज पानी डाला था तो नमी बनी हुई है और वीक में मैं बस एक ही बार पानी डाल रही हूँ वैसे भी धूप नहीं है और इस तरह से कुछ छोटे छोटे जो चीज़ हैं गमले में निकल आते हैं खरपतवार उसको आपको हटाते ही रहना है गमले में नहीं छोड़ना है और पानी बहुत ही कम पानी यूज़ करना है जब मिट्टी आप देख सकते हैं बगल वाले गमले की मिट्टी सूखी हुई है जब इतनी ज़्यादा सूख जाए मिट्टी तभी आपको पानी देना है यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि अडें ये जो आपका गुलदावदी है इसे दोबारा फूल आपको कैसे लेना है यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ये येलो वाला जो गुलदावदी है खिलने को बेकरार है और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे मेरी एक गुलदावदी है और यहाँ पे मेरा नींबू प्लांट है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सब फिर से आपको बताऊँगी अभी देख सकती है कि मेरे नींबू में कितने सारे फूल आए हैं एक मैं डिटेल वीडियो इसकी भी बनाने वाली हूँ तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू